खोवाई जिला पुलिस ने पुनः ब्राउन शुगर और युवा टैबलेट के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों लोगों के नाम हैं दीपांकर दास, कृष्णा मालाकार और प्रहलाद विश्वास। ये तीनों एक कार में सवार होकर जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और इन तीनों के पास से ब्राउन शुगर और युवा टैबलेट बरामद किया। गोपन तथ्यर ভিত্তিতে আমাদের ডিএসপি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ যে আছেন বিনয় দেব বর্মা, ও এবং ওর সঙ্গে আরও একজন অফিসার ছিলেন, তারা একটা গোপন তথ্য পান যে একটা গাড়িতে কিছু ব্রাউন সুগারস এবং সঙ্গে হয়তো আরও কিছু নার্কোটিক ড্রাগ একটা গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে। আগের যে গাড়ির নাম্বার আমরা পেয়েছিলাম সেই গাড়ি থেকে তিনজনকে, দীপঙ্কর দাস, কৃষ্ণ মালাকার ও প্রহ্লাদ বিশ্বাস নামে তিনজনকে আটক করা হয়। केंद्र कैबिनेट ने अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा रखने की अनुमति दे दी है। त्रिपुरा के लोगों की लंबित मांग और त्रिपुरा सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकृति दी गई है। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर, जो 1923 में पूर्व त्रिपुरा रियासत राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए थे, एक प्रबुद्ध और उदार शासक थे। अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर द्वारा दान की गई भूमि पर 1942 में किया गया था। दुनिया भर की यात्रा करने वाले एक दूरदर्शी शासक के रूप में त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। उनकी पहल के कारण अगरतला में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था, जो उत्तर पूर्व में दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में विकसित हुआ। इसलिए महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर को श्रद्धांजलि स्वरूप इस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है। एक समय सिक्किम की सड़कों पर गीत गाकर अपनी आजीविका चलाने वाला संतोष गंधर्वा आज बॉलीवुड की दुनिया में छाने को तैयार है। हाल ही में संतोष मशहूर संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के बुलावे पर मुंबई रवाना हुआ था। वहां उसने प्रीतम से मुलाकात की, जिसके बाद प्रीतम ने सिक्किम के लोगों और खास तौर से मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को धन्यवाद दिया है। I'd like to thank everybody in Sikkim for helping to find Santosh and specially Mr. Pawan Chamling, the Chief Minister of Sikkim, and thank you, sir, so much. Thank you so much for helping Santosh to reach me. And it is a real, real pleasure. And I really feel that I am connected to Sikkim by heart. And mera Sikkim ke saath dil ka connection ban gaya. Aur main bahut bahut khush hu. Aur ये मैं बोलना चाहता हूँ सिक्किम के बारे में सबको कि सिक्किम अपना देश का ग्रीनेस्ट स्टेट है। सिक्किम को लेकर प्रीतम काफी भावुक नजर आए। प्रीतम ने सिक्किम की खूबसूरती का बखान करते हुए राज्य में आने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सिक्किम से उनका दिल से लगाव हो गया है। सिक्किम में 1000 बिस्तर युक्त अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद से मांगी है। इस अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी राज्य सरकार की योजना है। यह जानकारी पूर्वोत्तर परिषद के सचिव राम मुइवा ने दी है, जो मौजूदा पूर्वोत्तर परिषद की पुनरीक्षण बैठक के लिए गंगटोक में उपस्थित है। राम मुइवा ने बताया कि नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद से वित्तीय सहायता मांगी गई है। 1000 बिस्तर युक्त एक बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा है और अब तक 10 मंजिली इमारत बन चुकी है। कांटक में निर्माणाधीन 1000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण पूरा करने के लिए उत्तर पूर्व परिषद की ओर से आर्थिक मदद देने की घोषणा उत्तर पूर्व परिषद के सचिव राम मुइवा ने बताया है। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में से सिक्किम का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन है। पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर परिषद के सचिव राम मुइवा ने यह बात कही है।
मौजूदा वे गैंगटॉक में पूर्वोत्तर परिषद की पुनरीक्षण बैठक में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित है। यह बैठक पूर्वोत्तर परिषद की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुमोदित राशि के पुनरीक्षण के उद्देश्य से आयोजित की गई है। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुइवा ने कहा कि वे इस पुनरीक्षण बैठक से संतुष्ट है। सिक्किम आठों राज्यों में से सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्किम के लिए कुछ नए पुलों के निर्माण की योजना है। टुडे इन सिक्किम इज टू होल्ड एनुअल रिव्यू मीटिंग ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय एनईसी। सो टुडे वी हैड अ वेरी वेरी गुड रिव्यू मीटिंग co-chaired by Chief Secretary of Sikkim, Sri Alok Srivastav ji, Development Commissioner, the Vijay Bhushan Pathak, and all the secretaries and head of departments were present. And we had a very fruitful and cordial review meeting. I am very happy that Sikkim is doing very well. First concentrated on Sikkim, we are going to take up a few bridges under Sikkim, major bridges, under the new scheme called NERSTS, Northeast Road Sector Development Scheme. We are going to take up some major bridges.